बड़ी मजेदार टर्म है, न्यूमेरिकली भी आ सकती है, थियोरेटिकली भी आ सकती है। जीडीपी डिफ्लेटर, ध्यान से देखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर, प्यार से इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स, फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, कह रहे मतलब एग्जांपल, नॉमिनल जीडीपी थी आपकी 50,000 और रियल जीडीपी थी 40,000। कुछ भी फिगर ले रहे हैं, इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, रुपीज में, मतलब करोड़ वरोड़ भी छोड़ो, करोड़ उससे फर्क नहीं पड़ता, करोड़ करोड़ तो आपस में कैंसिल ही होना है, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि नॉमिनल इनकम थी 50,000, रियल इनकम थी 40,000। वो पूछा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा। जीडीपी डिफ्लेटर है, ध्यान से देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो क्या है ये? 125। जीडीपी डिफ्लेटर 125 है, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इज 125, जीडीपी डिफ्लेटर इज 125 और प्राइस इंडेक्स इज 125, एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइसेस। कह रहे जो 25% ग्रोथ हुई है ना, वो तो प्राइसेस की वजह से हुई है, उससे ज्यादा अगर कोई ग्रोथ हुई है तो बताओ। 25% ग्रोथ जो हुई है ना, वो तो प्राइसेस की वजह से हुई है। तो अगर 40,000 आपकी इनकम थी पिछले साल, 25% से प्राइसेस बढ़ गए, तो 40,000 का 25% क्या होता है? 10,000। तो अगर इनकम 50,000 तक ही है, कह रहे वो तो प्राइसेस की वजह से है। 50,000 से ज्यादा हुई होती इनकम अगर आपकी, तो एक्चुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुई होती। तो जीडीपी डिफ्लेटर इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस बताता है। क्या बताता है? इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, कि प्राइस लेवल कितना बड़ा है, प्राइस लेवल कितना बड़ा है। कह रहे 125 का मतलब होता है कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी, अब 125 की हो गई है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 125 है, प्राइस इंडेक्स अगर 125 है, एक्सक्यूज मी, प्राइस इंडेक्स अगर 125 है, इसका मतलब जो चीज लास्ट ईयर यहाँ बेस ईयर में 100 रुपए की थी, आज की डेट में वो 125 की है। तो 25% तो प्राइस राइज हुआ है। तो अगर आपकी इनकम, नेशन की इनकम सिर्फ 25% से ही बढ़ी है, तो वो तो प्योर प्राइसेस की वजह से ही है, उससे कोई ज्यादा ग्रोथ हुई है तो बताओ। समझ आई बात? नहीं, वो तो ऐसे नहीं कर, 125 अगर 125 है तो 100 को तो साइड ही कर दो, 100 तो पिछले साल का प्राइस है, ऐसे रीड करा जाता है। प्राइस इंडेक्स 11 में भी स्टैटिस्टिक्स था ना, अगर होता 120 तो इसका मतलब जो चीज पहले 100 की थी अब 120 की हो गई है, तो 20%। 140 है अगर प्राइस इंडेक्स तो 40%। 180 है प्राइस इंडेक्स तो 80%। 109 है अगर प्राइस इंडेक्स तो 9%। 85 है अगर प्राइस इंडेक्स तो आपके प्राइसेस 15% से गिर गए, तो वो 100 के बेस पे लिए जाते हैं। क्लियर? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला समझ आया? अब जीडीपी डिफ्लेटर से ही डिराइव हुए बाकी फॉर्मूले। अभी हमने क्या सीखा? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इन 200। अब ध्यान से देखना, सेम फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब मैं इससे पूछूं कि अच्छा चलो बताओ नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी अपॉन 100। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इधर आ गया।
अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में ही पूछूं कि बताओ रियल जीडीपी क्या है, तो रियल जीडीपी इधर चला जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अब ऊपर वाली वैल्यूज ही ले लेते हैं कि हमें अगर रियल इनकम नहीं गिवन होती, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द अबव एग्जांपल, मैं रियल जीडीपी निकालना चाहता हूं, मुझे रियल जीडीपी का गिवन नहीं है, नॉमिनल जीडीपी कितना था 50,000, जीडीपी डिफ्लेटर कितना था 125 इंटू 100, तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 5 फाइव, 10, 10 फोर 40,000, मैच कर रही है बातें? कोई डाउट? कोई भी डाउट? तो ये है जीडीपी डिफ्लेटर।